दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज जो हम चैप्टर क्लास के 8 का चैप्टर 15 है सब नेचुरल फिनोमेना, उसके कुछ नोट्स लेकर आए हैं। क्योंकि ये वीडियो पूरी बनाई गई थी लेकिन उसमें से कुछ साउंड प्रॉब्लम थी, तो ये वीडियो मैंने जो क्वेश्चंस थे वो अलग कर दिए हैं, तो इसकी वजह से ये दोबारा से बनानी पड़ी है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे जो काम में आएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और थोड़ा सा इसमें साउंड में प्रॉब्लम थी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मैंने दोबारा से बनाया है आप सबके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए नेचुरल फिनोमेना की अगर हम बात करें कि नेचुरल फिनोमेनास क्या होते हैं, तो नेचुरल फिनोमेनास होते हैं हमारे जो हमारे अर्थ पे खुद ब खुद हैपन होते रहते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल फिनोमेना। तो हम इनमें नोट्स में आ गए हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ नोट्स हैं जिनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है, सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं चार्ज किए जा सकते हैं रबर ऑब्जेक्ट के साथ में। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टेटिक चार्जेस। वेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ पे चार्ज मूव नहीं करते। एंड इलेक्ट्रोस्केप में बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। एक इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या चार्ज नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉज लाइटनिंग। ठीक है, इसे हम बोर्ड पे समझेंगे अभी। देखिए ये हमारा है एक बादल, ठीक है, और बादल से ये क्या है नीचे, अभी हम एक अर्थ, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, अर्थ है ये। ठीक, बादल का जो नीचे का हिस्सा होता है वो निगेटिव होता है और अर्थ का जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है। ये आप जो है एक लाइटिंग आ रही है, ठीक है, यहाँ थंडरिंग नहीं है होगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ लाइटनिंग होगी। लाइटनिंग इसके बीच में होती है, थंडरिंग में और लाइटिंग में डिफरेंस होता है। देखिए थंडरिंग कहते हैं साउंड क्रैक करने को, ठीक है, और जो लाइटनिंग है, अब जो लाइटनिंग होती है वो होती है आपकी, देखिए ये लाइटनिंग है, लाइटनिंग का मतलब होता है स्पार्क। और स्पार्क क्यों होता है, निगेटिव जो होता है बादल का नीचे का हिस्सा अर्थ के पॉजिटिव की तरफ को जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग और थंडरिंग होती है। तो इस बीच जो भी कोई चीज़ आ जाएगी वो हमारे बीच में आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद हम आगे पॉइंट्स ले लेंगे। लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय द लाइफ, समझते हैं हम, लाइटनिंग जो होती है डिस्ट्रॉय कर सकती है लाइफ को। लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। जब पुराने ज़माने में भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ ऐसा लगा दिया करते थे जिससे कि जो है वहाँ उनके ऊपर बिजली ना गिरे, लाइटनिंग ना गिरे। इन अर्थ क्या कि सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो प्लेट से जब वो हिलती हैं तो हमारे पास अर्थक्वेक आ जाता है। और अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाई अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक क्या होता है, एक डीप इनसाइड में अर्थ की क्रस्ट में क्या होता है, जाके वहाँ पर एक उसमें डिस्टर्बेंस होता है और उस डिस्टर्बेंस को हम जो हैगा क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है इसके लिए कि जो है अर्थक्वेक जो है एक डिसबैलेंस है उनकी, जो उनके अंदर फॉल्स है, हम इसको दिखा रहे हैं आपको बोर्ड पे। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है आपकी अर्थ है। अर्थ में होती है तीन लेयर, ठीक है, ये हो गई पहली लेयर जो क्रस्ट होगी, ये दूसरी लेयर हो गई जो मेंटल होगी, और तीसरी लेयर हो गई कोर। ठीक है, तो पहली लेयर क्रस्ट, दूसरी लेयर मेंटल और तीसरी लेयर कोर। ठीक है, तो क्रस्ट मेंटल और कोर, तो ये क्या है, ये डिस्टरबेंस किसका है, क्रस्ट का है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अकुरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की आप जो है पहले से किसी भी तरह का प्रडिक्शन नहीं कर सकते, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
अर्थक्वेक्स टेंड टू ऑकर एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेस, दीज बाउंड्रीज आर नेन एज फॉल्ट जोन। डिस्ट्रक्टिव रेंज एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। ठीक है, ये कहाँ पे नापी जाती हैं? रिएक्टर स्केल पे नापी जाती हैं, और रिएक्टर स्केल पे जो हैगा मेजरिंग होती है 7 से, अगर ज़्यादा मेजरिंग दिखाती है तो वो जो होता है भूकंप या जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, सीवर होता है, डैमेज के लिए। ठीक है, वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक्स। कोई जो है सिंपल सी बात है, रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 फॉर इंडिकेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को पकड़ने के लिए। सिस्मिक वेव्स की अगर बात करें, द एनर्जी रिलीज एट द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक प्रोपोगेट्स आउटवर्डली। जो एनर्जी रिलीज की जाती है एट द फोकस ऑफ अर्थक्वेक पर उसको सिस्मिक वेव कहते हैं। सिस्मोग्राफ इसी को पकड़ता है, एन इंस्ट्रूमेंट होता है बाई विच सिस्मिक वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक आर मोनिटर्ड। एपिसेंटर एक पॉइंट है अर्थ का जो सिस्मिक फोर्स के अबव होता है, और फॉल्ट जोन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है, इसमें से हम थोड़ा सा कुछ और पॉइंट समझेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए सही से। देखिए, यह है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक है। ठीक है, सिस्मोलॉजी क्या है? अर्थ स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक है। ठीक है, इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक हैं वो आपके जो है कहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं आपके गुजरात में। ठीक है, कहाँ आते हैं? गुजरात में। इसका रीज़न क्या है? ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे बोर्ड पे। एक भुज जगह है गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि ये इसकी जो कॉस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है। 2004 में यहाँ पे आया था एक सुनामी और इसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी वहाँ पे। गुजरात भूकंप के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ की जो कॉस्ट लाइन है बहुत लंबी है, समुद्र का किनारा है इसके पास में। ये क्वेश्चंस आप जो है साइंस क्लियर क्लासेस पर कर रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपने इसमें जो है ज़रूर जानकारी जुटाई होगी अपने लिए बहुत ज़्यादा। ये वीडियो हमें दोबारा से इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि इसके में जो है थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए हमें जो है वेरी सॉरी टू डिगनाइज द वीडियो, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच द फुल वीडियो।